हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट में। इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर लॉस है तो एग्जिट भी कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों, अनिल अंबानी जी के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, लेकिन आप लोगों के लिए एक बहुत बुरी न्यूज़ है। और वो क्या है दोस्तों, जिससे अनिल अंबानी को प्रॉफिट होगा लेकिन आपको प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन लोग अभी भी यही सोच रहे हैं दोस्तों कि मुझे भी प्रॉफिट होगा जब अनिल अंबानी को प्रॉफिट होगा। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है आरकॉम। आरकॉम का दोस्तों प्राइस कहाँ तक चला गया था, 0.50 तक चला गया था, लगभग पूरा डाउन चला गया था दोस्तों। उसके बाद से देखिए डेली जो है इसमें अपर सर्किट लगना स्टार्ट हुआ है दोस्तों। तो 0.50 से यहां पर देखिए 1.25 तक चला गया है। तो लोग बहुत ज्यादा इसमें खरीदारी कर रहे हैं, मतलब दोस्तों भर भर के खरीदारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं यहां पर एक शेयर होल्डर ही बन जाऊं। क्योंकि यहां पर देखिए मतलब 50 पैसे का स्टॉक है, तो कोई लाख रुपया डाल देगा तो हो सकता है बहुत अच्छा क्वांटिटी उठा ले जैसे कि शेयर होल्डर। लेकिन आप लोगों को ज्यादा प्रॉफिट यहां पर नहीं होने वाली है। कैसे दोस्तों, यहां पर आपको थोड़ा परेशानी हो सकती है। यहाँ पर देखिए मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि आपको और अनिल अंबानी में से। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एयरटेल प्लेस 3000 करोड़ बिड फॉर आरकॉम असेट्स। मतलब कि दोस्तों एयरटेल जो है 3000 करोड़ देने के लिए तैयार है। किसके लिए देने के लिए तैयार है दोस्तों? आरकॉम का असेट्स को देने के लिए तैयार है, आरकॉम को नहीं। मान लीजिए दोस्तों, जब यहाँ पर आरकॉम का असेट्स चला जाएगा तो आरकॉम अलग हो जाएगा और उसका असेट्स अलग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, चाहे जियो हो चाहे एयरटेल हो, दोनों दोस्तों आ रहे हैं तो आरकॉम के असेट्स खरीदने के लिए, क्योंकि दोस्तों वो टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड है। और ये दोनों अपना, एयरटेल और जियो जो है, अपना बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए और ज्यादा मार्केट में कंपटीशन बढ़ाने के लिए दोस्तों ये दोनों आरकॉम का असेट्स खरीद रहे हैं। अब देखिए कंफ्यूजन यहां पर लोगों को क्या है, वो सोच रहे हैं दोस्तों जब यहां पर आरकॉम का असेट्स को खरीद लिया जाएगा तो आरकॉम का भाव जो है बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, जिससे आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि दोस्तों कंपनी अलग होती है और उसका असेट्स अलग होता है। कंपनी और असेट्स क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। कंपनी वो होती है दोस्तों जो अपने असेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदता है, बढ़ाता है और इम्प्रूव करता है। मान लीजिए कंपनी के पास उसका असेट्स है लैंड, ठीक है दोस्तों, लैंड भी एक बहुत अच्छा असेट्स होता है। मान लीजिए कि कंपनी के पास है असेट है, और जो उसका असेट है दोस्तों, मान लीजिए वो क्या करेगा, अपना लैंड को अगर बेच देता है किसी को, तो दोस्तों वो लैंड क्या हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा, लेकिन कंपनी वही कंपनी रह जाएगी। मतलब कंपनी को क्या मिला, उसके बदले में उसको जो है कुछ प्रॉफिट मिला और रेवेन्यू मिला। दोस्तों जो रेवेन्यू मिला कंपनी को, एक बार प्रॉफिट तो फिर होगा, लेकिन वो गोइंग कंसर्न नहीं रहेगा फ्यूचर में, जिससे उसका आरकॉम का भाव जो है गिरने वाला है। यहां पर देख लीजिए साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है दोस्तों, आरकॉम इंसॉल्वेंसी, देखिए एक्सपेक्टेड टू रेज 14,000 करोड़ फ्रॉम असेट्स। मतलब कि वो अपना असेट्स को बेचना चाहता है। आरकॉम मतलब कौन, आरकॉम। तो दोस्तों लोगों को मैं यहां पर इतना ही बताना चाहता हूं, आरकॉम अलग है, उसके असेट्स अलग है। इसीलिए दोस्तों यहां पर देखिए, रिलायंस चाहे जियो है, जो भी है दोस्तों, आरकॉम का असेट खरीदना चाहता है। यहां पर देख सकते हैं आप, देखिए एयरटेल जियो बिड फॉर आरकॉम टेलीकॉम असेट्स, तो आरकॉम के पास जो टेलीकॉम का असेट्स है वो खरीदना चाहते हैं। तो आप ये मतलब कि आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि आरकॉम का प्राइस जो है डेली डेली बढ़ते जा रहा है, तो मैं आरकॉम में बहुत अच्छा पैसा फंसा दूँ। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं दोस्तों, अपना पूरा पैसा ही उसमें फंसा देते हैं, 100% अपना कैपिटल आरकॉम में डाल देते हैं और सोचते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन वापस से उनको एक बहुत बड़ा लॉस मिलता है। और यहाँ आपको अपर सर्किट तो मिल रहा है, लेकिन जिस दिन दोस्तों इसमें डाउन आने लगा, जब ये डाउन आने लगा, तो आपको कोई मार्केट में बायर नहीं मिल पाएगा और आप अपने जितने भी यहाँ पर शेयर खरीदे हैं आप वो सेल भी नहीं कर पाएंगे। मतलब कि दोस्तों आपका पूरा पैसा डूब जाएगा। तो इसलिए अगर आप यहाँ पर पैसा लगाना चाहते हैं तो अपना फुल स्टडी और फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप जो अपना पैसा लगाइएगा। यहाँ पर जितना जल्दी पैसा बन सकता है दोस्तों, उतना जल्दी पैसा यहाँ पर डूब भी सकता है। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा आरकॉम को, हो सकता है अनिल अंबानी को, यहां पर जितने भी कर्ज हैं उनको थोड़ा रिलीफ मिलेगा, लेकिन आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, ज्यादा से ज्यादातर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर यूजफुल लगा, तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल में आपको यह भी बताया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आने वाले वीडियो में हम फिर मिलते हैं कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होगा। अगर किसी को अभी भी कुछ भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, वहां पर भी आपको फुल्ली सपोर्ट किया जाएगा और रिप्लाई भी दिया जाएगा।